वेल सो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे दोस्तों आप सभी लोग आई होप आप बहुत अच्छे हो मैं भी बहुत अच्छा हो तो चलिए ये जो मैं यहाँ पे आज का डिस्कशन लूँगा ये फॉर सी ए फाइनल आर टी पी अप्लीकेबल फॉर नवंबर ट्वेंटी थ्री एग्जामिनेशन तो ये आर टी पी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ मैंने डिस्कस करने चाहिए तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं आर टी पी के और इस बार की आर टी पी जो है आपको जरूर सॉल्व करके जाना है दोस्तों आई होप ये मिशन संभव जो है जिसमें रिवीजन क्लासेस आप देख रहे होगे और साथ साथ में अमेंडमेंट्स भी ज़रूर देख लेना तो डेफिनेटली आपको इसका बहुत फायदा होगा तो यस uh, yes, अब बारी आती है आरटीपी डिस्कशन की तो फटाफट मेरे साथ आरटीपी डिस्कशन कर लेते हैं तो आर डिस्कशन से डेफिनेटली uh, यहाँ पे ओके okay, आपको हेल्प होगी थोड़ा अगर आप चाहो तो स्पीड में भी देख सकते हो तो uh, शुरू करते हैं आर डिस्कशन यस और नो तो बोलिए यस सर तो इस बार अस्सी पार एक लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा आए हम कुछ अच्छा करना है ओके okay, तो चलिए यहां पे आपके आर टी अगर आपके पास होगी तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं और इसके साथ साथ थोड़ा एनालिसिस भी कर लेते हैं क्योंकि जब भी एम सी क्यू क्वेश्चन के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसका एनालिसिस अगर साइड में कर लो आपको आपको ज़्यादा हेल्प होगी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर एम सी क्यू क्वेश्चन हमने किस तरह से सॉल्व करना चाहिए तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूँगा कि एम सी क्यू क्वेश्चन जो है जो के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे Uh, जितने भी मैक्सिमम के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा uh, बाकी तो जो uh, यहाँ पे एम सी आते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने नोट्स में दिए वही आएंगे वो तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस था एक आपको कंप्लीट इंसाइट मिले कि एम सी आते कैसे हैं और के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते पर कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है अल्टीमेटली आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ही एम सी क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आ, एक जो पहला एम सी क्यू बेस का स्टडी क्वेश्चन इन्होंने लिया है इसको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए मैं थोड़ा आपको यहाँ पे आइडिया दूंगा ओके okay, जहाँ तक देखा जाए तो पहला ये लेते हैं इन्फोटेल लिमिटेड आफ्टर रेफर्ड एज इन्फोटेल इज अ टेली कम्युनिकेशन कंपनी तो सबसे पहले तो ये टेली कम्युनिकेशन कंपनी है ऑपरेटिंग इन इंडिया द कंपनी हैज ऑप्टिंग रजिस्ट्रेशन इन ऑल स्टेट इन इंडिया एंड हैज़ ए हेड ऑफिस इन हरियाणा ठीक है रजिस्ट्रेशन ऑल स्टेट में है हेड ऑफिस हरियाणा में फॉर सर्विस इन इंडिया इज फॉर टू द कस्टमर बाय हेड ऑफिस लोकेटेड हरियाणा तो मैंने एनालिसिस कर लिया और मैंने इसका एनालिसिस ऐसे किया कि वे ऑपरेशन वॉल ऑफ इंडिया है ऐसा एनालिसिस करो तो ज्यादा अच्छा है ओके okay, रजिस्ट्रेशन सारे स्टेट्स में है और इन जो है एच से हरियाणा से इशू हो रहा है चलो मेरा पहला एनालिसिस यहाँ खत्म हुआ दूसरा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी यानी हमें मंथ लेना है कौन सा जनवरी following transactions are undertaken receive from post -paid mobile okay यस पोस्ट पेड कस्टमर 25 लाख, 5 लाख लैक्स इज़ फ्रॉम द कस्टमर लोकेटेड हरियाणा एंड रिमेनिंग अमाउंट इज फ्राम द कस्टमर लोकेटेड रेस्ट ऑफ इंडिया तो ठीक है इसमें मैंने एनालिसिस कैसा किया कि ट्रांजैक्शंस इनके ट्रांजैक्शंस क्या है पोस्ट पेड पोस्टपेड में टोटल करेक्शन कितना है 25 फाइव ओके okay, ये एनालिसिस साइड में करना बहुत जरूरी है इससे क्या हो जाएगा कि आपकी मिस्टेक नहीं होगी और आपकी ग्रीप इमीजिएटली आ जाएगी जो भी क्वेश्चन होगा उसके ऊपर तो so, यहाँ पे ट्वेंटी फाइव लैक्स टोटल रिसिप्ट हुई जिसमें से फाइव लैक्स हरियाणा की और रिमेनिंग फ्रॉम अदर स्टेट की है तो ये एनालिसिस मैंने यहाँ पे करके रख दिया उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपार्ट फ्रॉम दिस इन्फोटल कलेक्टेड अमाउंट ट्वेंटी लैक्स एज अ सब्सक्रिप्शन इनकम आइडेंटिफाइबल सेपरेटली ऑन द पोस्ट बिल ठीक है जो इन्फोटल पोस्ट बिल यहाँ पर इशू कर रहा है जिसमें बीस लाख का सब्सक्रिप्शन इनकम लिया है ठीक है फ्रॉम द कस्टमर दिस अमाउंट इज नॉट इक्लूडेड इन द कलेक्शन एट पॉइंट वन यानी ऊपर के जो टोटल कलेक्शन है ट्वेंटी फाइव लैक्स में उसमें ट्वेंटी लैक्स इंक्लूडेड नहीं है द सेम वॉज कलेक्टेड फ्रॉम पेमेंट टू क्लाउड जोन लिमिटेड एन इन आफ्टर रेफर्ड एज क्लाउड जोन ये जो कलेक्शन हुआ ये क्लाउड जोन लिमिटेड को पे करने के लिए हुआ है ठीक है एंड ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर ओ टी टी प्लेटफॉर्म लोकेटेड इन महाराष्ट्र जो ओ टी टी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है

क्लाउड जोन जो है कस्टमर को डायरेक्ट इन्वाइस दे रहा है ठीक है कलेक्टिंग एजेंसी इन्फोटेल है कलेक्टिंग एजेंसी इन्फोटेल है पर इन्फोटेल जस्ट कलेक्ट कर रहा है क्लाउड जोन को पे कर रहा है लेकिन क्लाउड जोन के इन्वाइस कस्टमर के नाम पे जा रहे हैं एज पर द एग्रीमेंट इन्फोटेल इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी सॉर्ट ऑफ फैसिलिटेशन और अरेंजमेंट ऑफ सप्लाई फ्रॉम क्लाउड जोन टू द कस्टमर इसमें इन्फोटेल कहीं पर भी फैसिलिटेट या अरेंजमेंट की डील नहीं कर रहा है सिर्फ कलेक्टिंग एजेंसी है

ओके एक्चुअल बेसिस पे क्लाउड जोन ने जो है यहाँ ध्यान से सुनिएगा कि डायरेक्ट ओके ट्रांजेक्शन बी टू सी है नेक्स्ट यहाँ पे ओके okay, जो सर्विसेज सुनिए ध्यान से जो क्लाउड जोन सर्विसेज दे रहा है ओके okay, ये जो है यहाँ पे आ, जिसमें इन्फोटेल ने कोई भी इन बिटवीन पैसा नहीं चार्ज किया है ना इंटरमीडिएट पे चार्ज किया है, ना फैसिलिटेट किया है ना अरेंज किया है, कुछ नहीं किया है। सिर्फ कलेक्टिंग एज एजेंसी जिसका एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं लिया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा इसका डिस्कशन आगे भी मैं करूंगा ओके okay, अगर आपने प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ा होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई के भी कुछ कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूडेड है इसलिए ये आर का डिस्कशन आपको बहुत हेल्पफुल होगा अगर आपने पूरा आई सब्जेक्ट पढ़ लिया होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें एक साथ आएगी जो बहुत सारे चैप्टर्स में हमने अलग अलग प्लेस पर देखी है ओके okay, तो चलिए अब मैं आपको ये बता दूँ कि भाई क्लाउड जोन जो है 20 लाख का कलेक्शन हुआ डायरेक्ट बिलिंग है ओके इन्फोटेल सिर्फ पोस्ट पेड में कलेक्टिंग कर रहा है लेकिन इन्फोटेक ने जो कलेक्शन का अमाउंट लिया है उसमें से कहीं पे भी वो सर्विस को फैसिलिट या अरेंज नहीं करवा रहा है कस्टमर के साथ वो सिर्फ कलेक्टिंग एजेंसी है और उसका पैसा भी उसने चार्ज नहीं किया हुआ है ओके सॉरी 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 ओके कस्टमर से उन्होंने नहीं लिया है लेकिन इनफोटल रिसिव अमाउंट इक्वल टू टेन परसेंट और टोटल अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर एज अ कलेक्शन चार्जेस फ्रॉम क्लाउड जोन कस्टमर को उसने कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया है लेकिन क्लाउड जोन से ये पूरे सर्विस का वो दस परसेंट ले रहा है ओके दस परसेंट ले रहा है तो येस रिगार्डिंग टू ट्वेंटी लैक्स की अगर हम बात करें तो ट्वेंटी लैक्स जो है वो एज अ प्योर एजेंट हो जाता है प्योर एजेंट की डेफिनेशन आपको याद होगा तो ही एक्टिंग जस्ट एज अ प्योर एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर ओके डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है क्लाउड जोन के बिहार पे एग कर रहा है डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है कस्टमर को सेपरेट चार्ज नहीं कर रहा है डायरेक्ट इन्वाइस कस्टमर के नाम पे जा रहा है लेकिन उसने 10 परसेंट जो कमीशन लिया ये 10 परसेंट डेफिनेटली ये उसके वैल्यू में ऐड होगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ जी नेक्स्ट डायरेक्ट रिसीव फ्रॉम प्रीपेड मोबाइल फिफ्टी लैक्स एंटायर पेमेंट इज रिसीव फ्रॉम द कस्टमर लोकेटेड आउटसाइड हरियाणा ठीक है तो आपका ओके okay, प्रीपेड जो आया ओके okay, ये पचास लाख रुपए आया मैंने ये साइड में लिख दिया ये एनालिसिस बहुत काम का होता है की पॉइंट्स आप लिख लो तो आपको बाद में एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए आसानी होगी ओके okay, नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट रिसीव फ्रॉम प्रीपेड मोबाइल कस्टमर ये हो गया उसके बाद में मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम पेविक लिमिटेड हि आफ्टर रेफर्ड एज पेविक विक रिसेलर सेलिंग एजेंट ऑफ इन्फोटेल थर्टी लैक्स द लोकेशन ऑफ पेविक इज इन महाराष्ट्र कमीशन पेड टू पे विक इस टेन परसेंट ऑफ द रेवेन्यू रिसीव्ड हाँ लोकेशन दिया है लोकेशन बहुत सी बार काम आता है कि ये डिसाइड करने के लिए कि हम इंट्रा स्टेट कहें या इंटर स्टेट कहें क्योंकि सारे इन्वॉल्विंग हरियाणा से हो रहा है तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा उसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे दूसरी बात तीस लाख रुपए टोटल कलेक्शन है और कमीशन दस परसेंट दिया हुआ है तो यहाँ स्टूडेंट्स की मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मैंने ये एनालिसिस में लिया ओके okay, और यहाँ पे मोबाइल एजेंट के, के थ्रू जो बेचा वो तीस लाख का बेचा और कमीशन दस परसेंट उसको पे किया है यानी कमीशन का बिल एजेंट से आया है यहाँ स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर सकते हैं या स्टूडेंट ये मिस्टेक कर सकते हैं यहां पे कि वो सिर्फ यहाँ पे थर्टी माइनस टेन परसेंट यानी ट्वेंटी सेवन लैक्स का ही जीएसटी रेवेन्यू कंसिडर करेंगे नहीं ओके okay, ये कमीशन बाद में पे किया गया इसलिए रेवेन्यू जब टोटल कर कंसीडर करना है तो ये टैक्स का टोटल रेवेन्यू कंसीडर होगा और जो कमीशन का बिल हम पे करेंगे उसका हम क्रेडिट ले लेंगे लेकिन आपको रेवेन्यू टोटल थर्टी लैक्स का यहां okay, में फोर्थ इन्फोटेल कलेक्टेड एन अमाउंट ऑफ फाइव लैक्स फ्रॉम द कस्टमर लोकेस्ट द डायरेक्ट डी टी सर्विस प्रोवाइडेड इन हरियाणा ओके अमाउंट इंक्लूड्स वन टाइम इंस्टॉलेशन चार्जेस वन टाइम इंस्टॉलेशन चार्जेस ये डिपॉजिट नहीं बोले जाएंगे ये चार्जेस है इसलिए ये सर्विस ही बोली जाएगी इसलिए पाँच लाख और पचास हज़ार टोटल ओके okay, uh, टोटल सॉरी दिस फाइव लैक्स इंक्लूड्स फिफ्टी थाउजेंड तो यहाँ पे ये फाइव लैक्स वन टाइम चार्जेस इसमें ओके ओके पचास हजार वन टाइम चार्जेस है तो वो इंक्लूडेड है फाइव लैक्स में इसलिए आपका इनकम यहाँ पे जो है पाँच लाख रुपए का इनकम माना जाएगा फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी उसके बाद में नेक्स्ट इन्फोटेल परचेज सर्टेन इक्विपमेंट्स फॉर इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट परचेज किया फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ इट्स टावर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान गुड्स वेर डिलीवर्ड एंड इंस्टॉल बाय द सप्लायर बेस्ड ऑन राजस्थान ओके इक्विपमेंट परचेज किया जिसका इंस्टॉलेशन राजस्थान में हुआ मैंने की पॉइंट्स निकाला हुआ है ओके okay. और इनवाइस हरियाणा हेड ऑफिस पे आया हुआ जिसकी पचत्र, पचत्र है जिसकी वैल्यू पचहत्तर पचहत्तर लाख है ओके okay, तो इक्विपमेंट परचेस किया परचेस किया तो नो डाउट आईटीसी का सवाल आएगा इंस्टॉलेशन राजस्थान में लेकिन इन्वाइस जो है एचओ में दिया गया है ठीक है नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे इन्फोटेल कोलैबोरेटेड विथ अमेज आई एन अ कंपनी बेस इन यूएसए फॉर रिसीविंग टेक्नोलॉजी सपोर्ट इन रिलेशन टू प्रोविजन ऑफ क्लाउड स्टोरेज सर्विस टू इट्स कस्टमर द अमाउंट पेड बाई इन्फोटेल टू अमेज आई एन सी फाइव करोड्स फॉर टेक्नोलॉजी सपोर्ट द क्लाउड स्टोरेज सर्विस वेयर ओके एक अमेज़ आई है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उन्होंने क्लाउड सर्विसेस लिया जिसके लिए पाँच करोड़ रुपए उन्होंने पे किया है ओके okay, और ये अमेज आइनसी इंडिया के बाहर है यूएस में है द क्लाउड सर्विस सर्विस प्रोवाइडेड बाई इन्फोटेल टू अन रिलेटेड प्रीमियम कस्टमर फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है वो पे कर रहे हैं लेकिन अपने कस्टमर को जो है जो अन रिलेटेड है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं मतलब इससे कोई रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहा है ओके द ओपन मार्केट वैल्यू जो उन्होंने अन रिलेटेड प्रीमियम कस्टमर को दिया वो पचहत्तर लाख रुपये है ना ये डिस्कशन में क्या इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो फॉरेन की सर्विस ली जिसके लिए फाइव करोड़ रुपीज़ पे किया है तो ये रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगा बिकॉज सर्विस टेकन फ्रॉम द अमेज़ आई एन सी रिसिप एंड इन्फोटेल ओके तो ये क्लाउड सर्विसेज जो लिया गया है ये यहाँ पे टैक्सेबल uh, किया जाएगा ये स्टोरेज सर्विस है क्लाउड स्टोरेज सर्विस है रिवर्स चार्ज में रिसिप एन लाइवल होगा और ट्रांजेक्शन बी टू बी है दूसरी बात आपको ये बता दूँ अमेज़ आई एन सी जो है ओके क्लाउड सर्विस के वजह से ओ में आ सकता है सेक्शन फोर्टीन ऑफ आई जी एस टी एक्ट अगर आपको याद होगा तो ओ सर्विसेज अगर प्रोवाइड होती है और एन टी ओ आर को प्रोवाइड होती है मतलब अनरजिस्टर्ड को प्रोवाइड होती है तो वो केस में फॉरवर्ड चार्ज में ओके ओ आई डी ए आर सर्विस प्रोवाइडर लाइबल होता है लेकिन इन्फोटेल कोलेबरेटर ये जो इन्फोटेल कंपनी ये जो है ओके okay, ये इंडिया में रजिस्टर्ड है यानी ये ट्रांजेक्शन बी टू सी नहीं है ये ट्रांजेक्शन बी टू बी है इसलिए रिवर्स चार्ज में इन्फोटेल ही लाइबल रहेगा ओके okay, और अमेज को इंडिया में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा और उनको भी यहाँ पे ओके okay, इंडिया में पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिवर्स चार्ज में इसका टैक्स करेगा। दूसरा उन्होंने अपने अनरिलेटेड कस्टमर को सर्विस दिया फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए सप्लाई विदाउट है। अगर यह सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा दोस्तों उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा यहाँ रूल ट्वेंटी एट लगता है रूल ट्वेंटी एट कहता है कि अगर तुमने रिलेटेड पार्टी को दिया तो ओपन मार्केट वैल्यू पे वैल्यूएशन हो सकता है उसके ऊपर जीएसटी आता है पर उन्होंने यहाँ पे क्लियरली कहा है कि अनरिलेटेड प्रीमियम कस्टमर को दिया इसलिए क्वेश्चन ऑफ जीएसटी डज नॉट अराइज उसके बाद में सेवन नंबर पर उन्होंने क्या कहते हैं देखो एज पर द एग्रीमेंट विद अमेज आई एनसी इनकेस ऑफ फेलियर इन प्रोविजन ऑफ क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज टू कस्टमर बाय इन्फोटेल

ये क्लाउड स्टोरेज जो है वो अमेज से चले जाएगा जिसका पचास लाख का बिल जो है यहाँ पे जनवरी में ओके okay, है तो ये पचास लाख पे भी रिवर्स चार्ज आएगा बी टू बी ट्रांजेक्शन है ओ आई डी आर सर्विसेस में नहीं आता है ठीक है ऑल अमाउंट गिवेन अब एक्सक्लूसिव ऑफ जी एस टी अनवाइज प्रोवाइडेड द ओपनिंग बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द रिलेवेंट टैक्स पीरियड ऑफ इन्फोटेल इज नील फॉर ऑल ठीक है आई टी सी वगैरह ओपनिंग वगैरह नहीं है इंटरेस्ट रेट नाइन परसेंट इंटरेस्ट रेट एटीन परसेंट अज्यूम दट देर इज नो अदर आउटवु इनवर्ट सप्लाई ट्रांजेक्शन अपार्ट फ्रॉम दफोर्स ट्रांजेक्शन इन द मंथ ऑफ जनवरी ओकेस्ड ऑन अबारियो गिवन बिलो चूज द मोस्ट अप्रोप्रेट एंसर हि जी एस टी पेबल इन कैश फॉर द मंथ ऑफ जनवरी बाय हेड ऑफिस ऑफ इन्फोटेल इन हरियाणा ओके अज्यूमिंग दैट नो आई टी सी यूटिलाइज बाई इट अज्यूम करो कि वो आई टी सी यूज करने वाला नहीं है तो उसको जीएसटी कैश में कितना आएगा उन्होंने ये नहीं कहा कि आउटपुट टैक्स पेबल उन्होंने कहा जीएसटी पेबल मतलब आउटपुट टैक्स प्लस आर वाला टोटल कितना टैक्स आप पे करोगे कैलकुलेट करके बताओ चलिए कैलकुलेट करके बता लेते हैं ओके okay, कैलकुलेटर लो ओके okay, अगर आपने एनालिसिस किया हो तो यहाँ पे Uh, सबसे पहले तो पोस्ट पेड की टोटल रिसिप्ट उसकी उन्होंने सी जी एस भी नहीं कहा उन्होंने आई भी नहीं कहा इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ जी कैलकुलेट करके देना है टोटल टोटल जी एस टी कैलकुलेट करके देना है पहले वैल्यू निकाल देंगे तो वैल्यू क्या तो ट्वेंटी फाइव ओके इसका क्या रिलेवेंस है सर उसमें हरियाणा रिमेनिंग अभी कोई रिलेवेंस नहीं है पहले क्वेश्चन में क्योंकि, क्योंकि उन्होंने ये नहीं पूछा है कि सी जी एस टी सी एस जी एस टी कितना पेबल है या फिर आई जी एस टी कितना पेबल है ऐसा कुछ भी नहीं पूछा है टोटल जी एस टी ओके

दूसरा एडिशनल uh, जो उन्होंने सब्सक्रिप्शन इनकम लिया 20 लाख तो एज अ प्योर एजेंट चले जाएगा प्योर एजेंट का रूल 33 में यहाँ पे डिडक्शन अवेलेबल है ओके okay, उसके बाद में कमीशन दो लाख रुपए ये ऐड किया जाएगा दो लाख रुपए ये ऐड कर दो प्रीपेड की डायरेक्ट रिसिप्ट हुई पचास लाख पचास लाख ये ऐड कर दो ओके सेवेंटी सेवन हो गया फिर एडिशनल सर्विसेस आपकी ओके okay, आपने एजेंट की सर्विस दी जिसमें कमीशन भी पे किया पर आपको थर्टी लैक्स ये पूरा लेना पड़ेगा तो आपने थर्टी लैक्स वो ऐड कर दिया इंस्टॉलेशन पाँच लाख जिसमें वन टाइम भी इंक्लूडेड है इसलिए ये पाँच लाख ये भी ऐड कर दो ओके पाँच लाख ये भी ऐड कर दो उसके बाद में ये तो इक्विपमेंट परचेस है इसलिए ओके okay, सवाल ही नहीं आएगा क्लाउड स्टोरेज सर्विस फाइव करोड़ है ये फाइव करोड़ का कैश में जीएसटी तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि रिवर चार्ज में आ रहा है तो रिवर चार्ज में आ रहा है तो ये सिचुएशन में कैश में जीएसटी आपको ओके okay, यहाँ पे पे करना पड़ेगा तो ये पाँच लाख रुपए पाँच करोड़ रुपए था मतलब मैं फाइव हंड्रेड ऐड कर देता हूँ मतलब ये ओके फाइव हंड्रेड लैक्स ऐड कर देता हूँ एडिशनल क्लाउड सर्विस के अपने कस्टमर को फ्री दिया कस्टमर को फ्री दिया तो आउटपुट पर कोई टैक्स नहीं आएगा पर बैकअप चार्जेस का फिर से भी लाया ओके okay, फिर से बिल आया तो वो भी रिवर चार्ज में टैक्सेबल होगा मतलब पचास लाख ही भी ऐड कर देता हूँ तो आपका सिक्स सिक्स टू आएगा ओके लैक्स इन टू मैं एटीन परसेंट करूँ तो आपका अराउंड जी एस टी पेएबल आएगा और वो जी एस टी पेएबल आएगा ओके okay, यहाँ पर परफेक्ट मेरा आ रहा है 119.16 मतलब वन करोड़ लैख सिक्सटीन थाउजेंड इंक्लूडिंग आर सी एम मैं यहाँ पे पे करूंगा चलिए भाई मैंने तो इंक्लूडिंग आर सी एम निकाल लिया है और आंसर आपका करेक्ट आंसर ये आना चाहिए आना ही चाहिए आप आंसर आखिरी में चेक कर लो ये आना चाहिए दूसरा सवाल क्या पूछा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू इन्फोटेल इन द मंथ ऑफ जनवरी एट इट्स हेड ऑफिस इन द हरियाणा हेड ऑफिस में आई टी सी कितना मिलेगा अब देखो मेरे पास जो डेटा है इसमें परचेसेस कौन सा इक्विपमेंट परचेस किया अब आप क्या होगा कि इक्विपमेंट परचेस और 75 फाइव लैक्स जिसका इंस्टॉलेशन राजस्थान में हुआ है अगर आपको आ, याद होगा तो अगर इंस्टॉलेशन राजस्थान में हुआ है तो प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान माना जाएगा तो उसका ओके okay, ख्याल रही है जो मैं आप पॉइंट बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विपमेंट परचेस का हरियाणा में आई नहीं मिलने वाला इवन बिल हरियाणा में आया होगा तो वो बिल वापस राजस्थान भेजना पड़ेगा क्योंकि हरियाणा में इसलिए नहीं मिलेगा उसका आईटीसी क्योंकि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन जो है वो राजस्थान है ओके अगर आप सेक्शन टेन ऑफ आईजीएसटी लगाते हो और जहां गुड्स यूज होता है वहां उसका आईटीसी मिलता है इसलिए हरियाणा में उन्होंने पूछा हेड ऑफिस में कितना आईटीसी मिलेगा तो इसका नहीं मिलेगा फिर आपका सवाल होगा कि सर आई एस डी कंसेप्ट यूज कर लेंगे ना आई एस डी कंसेप्ट यहां यूज नहीं कर सकते क्यों इसलिए यूज नहीं कर सकते आई एस डी क्योंकि आई जी सिर्फ इनपुट सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये हमने मशीनरी परचेज की तो मशनरी का क्रेडिट वही मिलता है जहाँ आपने परचेस किया इसलिए इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा हाँ रिवर चार्ज में आपको जो है ओके पे भी करना पड़ता है तो क्रेडिट भी मिलता है तो रिवर चार्ज में ये जो पांच करोड़ आपने क्यों पे किया और पचास लाख आपने पे किया और ऊपर जो आपने कमीशन दिया ओके कितना ओके टेन परसेंट कमीशन दिया उसका भी क्रेडिट आपको मिलेगा क्योंकि डीलर को आपने कमीशन दिया तो थर्टी लैक्स का टेन परसेंट यानी थ्री लैक्स अगर मैं यहाँ पे लूँ तो ओके ये फाइव करोड़ ओके फाइव फाइव हंड्रेड लैक्स प्लस ये फिफ्टी लैक्स प्लस थ्री लैक्स यानी फाइव फिफ्टी थ्री इंटू एटीन परसेंट अगर मैं ले लूँ तो नाइन्टी नाइन लैक्स फिफ्टी फोर थाउजेंड मेरा आंसर आना आना चाहिए और यहाँ पे नाइनटी नाइन लैक्स फिफ्टी फोर थाउजेंड का ऑप्शन दिया है यस करेक्ट ओके मुझे मार्क्स पूरे मिल जाएगी अगर आप आंसर देखोगे तो नाइन्टी नाइन लैक्स फिफ्टी फोर थाउजेंड जो है उसका करेक्ट yes, दोनों भी आंसर मेरे सही है ओके okay, तो यहां पे चलो ये हो गया डन अब आते नेक्स्ट नेक्स्ट इस पे ओके okay, थर्ड ले, ले लेते द टर्म जीएसटी लॉ प्लीज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ट्रांजेक्शन बिटवीन इन्फोटेल एंड क्लाउड जोन एंड कस्टमर क्लाउड जोन जो था इन्फोटेल इज अजेंट ऑफ क्लाउड जो इन्फोटेल इन्फोटेल इज अ प्योर एजेंट ऑफ सब्सक्राइबर कस्टमर इंटरमीडियट वो प्योर एजेंट में आता है ओके तो बी आंसर आएगा वो प्योर एजेंट में आएगा उसके बाद में जो रिश्वनल टैक्स ऑथोरिटीज आर कंटेम्पलेटिंग टू ब्रिंग अमेज आई एनसी अंडर द टैक्स नेट फॉर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू क्लाउड स्टोरेज प्लीज चूज द मोस्ट अप्रोप्रियट स्टेटमेंट अमेज आई एनसीज लाइबर टू ऑप्टन रजिस्ट्रेशन एंड पे जी एस टी इन इंडिया ऑन द सेड ट्रांजेक्शन एड इज प्रोवाइडिंग ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटा बेस एक्सेस रेटिव सर्विसेस ओ आई डी आर सर्विसेज क्लाउड में आती है नो डाउट क्लाउड सर्विस ओ आई डी आर सर्विसेस में आती है लेकिन ओके ओ आई डी आर सर्विस प्रोवाइडर को इंडिया में रजिस्ट्रेशन तभी करना पड़ता है जब ओके तभी करना है जब ओके okay, वो एन के साथ ट्रांजेक्शन करेंगे यहाँ पे एन मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ वो ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं तो वो सिचुएशन में उनको इंडिया में सेक्शन 14 ऑफ आई के एक्ट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है सिंस आई एंस इज लाइबल टू अपटन रजिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड पे टैक्स ऑन प्रिंसिपल अप्लायर सिंस नहीं ये भी नहीं वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेगी

ठीक है तो अब देखो यहां पे जहां तक देखा जाए जस्ट मिनट बेटा जस्ट मिनट ठीक है, है यहां पे देखिए इन केस ऑफ डिश एंड केबल आर ऑल्सो प्रोवाइडेड कंबाइन चार्जेस थ्री थाउजेंड कंबाइंड चार्जेस थ्री थाउजेंड पे किस तरह से चार्ज किया जाएगा तो देखिए यहाँ पे अगर आपने सर्विस के साथ डिश एंटीना और केबल दिया तो ये कंपोजिट सप्लाई में आया आता है ओके नेचुरली बंडल है ओके इंस्टॉलेशन के साथ ओके एंटीना केबल्स भी दिया जाता है नेचुरली बंडल है और ये नेचुरली बंडल है कंपोजिट सप्लाई में तो 3000 पे 18 परसेंट का रेट लगेगा इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे एटीन ओके नेचुरली बंडल अगर दिया जा रहा है तो एटीन परसेंट ओके कंबाइन दिया जा रहा है तो एटीन परसेंट ओके थ्री थाउजेंड जी पे लगेगा ओके okay, ये इसका आंसर रहेगा Now 6th number, dekhiya. Guruji & Associates is engaged in retail business of selling wedding outfits in the state of West Bengal. It has effected supplies to a customer in the state of Uttar Pradesh and Haryana. Its total turnover during the current financial year is 15 lakhs. Owing to low profit margin in the business, it has decided to shut down the business in the next financial year. The proper officer has collected the evidence of the interstate supply of wedding outfits effected by Guruji & Associate during the current financial year. और पंद्रह लाख का भी टर्न होने की वजह से ओके okay, उसने रजिस्ट्रेशन किया नहीं है पर उसने ओके सप्लाई वेस्ट बंगाल में किया ओके okay, और सॉरी वो वेस्ट बंगाल का और सप्लाई उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में किया इसलिए इंटरस्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई होने की वजह से सेक्शन ट्वेंटी फोर में आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में आ जाते हो नाउ प्रॉपर ऑफिसर वांट टू मेक असेसमेंट एज इट वाज लाइबल टू अपल रजिस्ट्रेशन बट डिड नॉट गेट इट रजिस्टर्ड अंडर जी

और स्पेशल असेसमेंट जहां स्पेशल डाउट है वो केस में तो ये केस में ओके okay, सबसे बेस्ट असेसमेंट होगा उसका ओके okay, यहाँ पे नॉन फिलर फिलर मतलब नंबर पे okay, पे लल्ला पेड़े वाला फेमस स्वीट शॉप लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर जी एस टी इन द वृंदावन उत्तर प्रदेश ऑफ हंड्रेड के जी स्वीट ऑन सेकंड में फ्रॉम द परिंदे ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड इन सेम लोकेटी वृंदावन एंड रजिस्टर्ड अंडर जी एस टी फॉर टोटल थाउजेंड ऑफ़ दीट वॉज डिलीवर्ड स्वीट डिल्ड टू परिंदिंदेवल्स में बट विदाउट इनवॉयस एंड अकाउंटेंट ऑफ मिस्टर लल्लावरी ओके रिमोल्व फिफ्थ में को कर दिया गया वेन द अकाउंटेंट ज्वाइन द ऑफिस आफ्टर लू पेमेंट रिस्टूट ऑन सेवंथ में अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो गुड सप्लाई हुआ गुड सप्लाई हुआ तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकलता है सेक्शन ट्वेल्व के हिसाब से और हमें दो इवेंट लेना है ओके डेट ऑफ इन्वाइस और लास्ट डेट ऑफ इन्वाइस तो लास्ट डेट ऑफ इन्वाइस मतलब डेट ऑफ रिमोल ओके विच एवर इज अर्ली ईयर तो ये केस में आपका अर्ली ईयर रिमोव आएगा फिफ्थ ऑफ में तो आपका जो यहाँ पे टी ओ एस फिक्स होगा और फिफ्थ ऑफ मे को फिक्स होगा ओके okay, नो अब कुछ क्वेश्चन कस्टम्स के ले लेते हैं कॉन्ट्रोवेलिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन नाइन ऑफ कस्टम टेरिफ एक्ट शाल सब्सिडी प्रोवाइडेड बाई एक्सपोर्टिंग कंट्री ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ मैनुफेक्चर ना सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल जो है ओके okay, तब तक नहीं लगाई जाती है जब तक यह क्लियर ना हो कि वो रिलेट टू एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस होगा तो लगाई नहीं जाएगी ओके इन शॉर्ट ओके सिविडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल कब लगाया जाएगा अगर रिलेट टू यूज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स और इम्पोर्टेड गुड्स इन इंडिया आर्टिकल और इस कॉन्फर्ड ऑन ऑल पर्सन एंगेज इन द ऑफ सेड आर्टिकल ये दोनों पॉइंट है पर दोनों और है और है मतलब टू और थ्री और है ओके मतलब अगर आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ ड्यूटी कस्टम्स में तो ओके दोनों में से कोई भी यानी डोमेस्टिक गुड्स आपने यूज करना चाहिए एक्सपोर्टिंग कंट्री में ओके okay, वहां के डोमेस्टिक यूज करना चाहिए या लिमिटेड मैन्युफैक्चर को दिया जा रहा है तो दोनों में से कोई भी इवेंट होगा ओके okay, वो केस में यहाँ पे सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल लगाया जाएगा अगर आप पढ़ोगे तो सेक्शन नाइन से पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा नाउ नेक्स्ट स्वदेशी एंटरप्राइजेस एक्सपोर्टेड गुड्स हैविंग वैल्यू ठीक है ऑल इंडस्ट्री रेट ड्यूटी ड्रॉबैक 5% मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स इन इंडिया 80,000 कैलकुलेट ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीवेबल बाय स्वदेशी एंटरप्राइजेस ओके तो अगर आप सेक्शन 75 पढ़ते हो सेक्शन 75 फाइव यहां पे सॉरी सेक्शन यस सेक्शन 75 अगर आप यहां पढ़ते हो और रीणविथ सेक्शन 76 भी अगर यहां पे देखोगे तो आ, आपको ये क्लियर समझ में आएगा कस्टम्स में और वो है कि अगर मार्केट वैल्यू ओके मार्केट वैल्यू ड्यूटी ड्रॉबैक से भी कम है मार्केट वैल्यू अगर आपकी ड्यूटी ड्रॉबैक से भी कम है तो वो केस में ड्रॉबैक नहीं मिलता है ट्वेंटी लैक्स का फाइव परसेंट यानी वन लाख रुपीज हो जाता है और मार्केट वैल्यू एटी थाउजेंड है तो ये केस में ड्रॉबैक ओके okay, उसको नहीं मिलेगा इज नॉट इंटाइटल फॉर ड्रॉबैक उसके बाद में नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डिस्ट्रॉयड गुड्स अंडर सेक्शन ट्वेंटी ऑफ द कस्टम्स एक्ट सेक्शन ट्वेंटी जो है वो रेमिशन ऑफ ड्यूटी पर लगता है और रेमिशन ऑफ ड्यूटी कब मिलती है ओके okay, तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट फिट होता है इट इज अपलीकेबल इन केस ऑफ टोटल गुड्स इवन ए सेम कैन बी रिकॉर्ड नहीं आपका पार्टली गुड्स भी रेमिशन होता है या कुछ क्वांटिटी भी रेमिशन होता है तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है तो ये अप्लीकेबल नहीं होगा नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन आर ऑल्सो अपलीकेबल इट गुड्स आर लॉस ड्यू टू पिल्फरेज एट द टाइम नहीं पिल्फरेज होगा तो सेक्शन थर्टीन अप्लाई होता है सेक्शन ट्वेंटी अप्लाई नहीं होता है नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन ऑल्सो अप्लीकेबल इवन गुड्स आर डिस्ट्रॉइड इन वेर हाउस यस ओके रिमिशन मिलता है ये ये परफेक्ट लग रहा है कि वेर हाउस में भी अगर आपका डिस्ट्रॉय होता है टिल द गुड्स आर क्लियर फॉर होम कंजम्पन ओके जब तक क्लीयरेंस एक्चुअल क्लीयरेंस नहीं होगा तब तक आपको ये बेनिफिट मिलता है तो यस ये फिट हो रहा है और इम्पोर्टेड नीड नॉट टू प्रूव द लॉस नहीं रिमिशन के केस में सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर आपको रिमिशन मिलता है तो ये भी यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा एन एस सी उसका आंसर यहाँ दिया जाएगा तो ये हमने कुछ एम सी क्यू क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए चलिए अब देखते हैं एलेवेंथ नंबर का क्वेश्चन सुदर्शन लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ केरला ठीक है सुदर्शन लिमिटेड <coughs> है रजिस्टर्ड सप्लायर है स्टेट ऑफ केरला में है इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग बैंकवेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अदर देन रेंटिंग ऑफ कार ठीक है यानी बैंकवेट सर्विस दे रहा है लेकिन वो जो सप्लाई कर रहा है अदर देन रेंटिंग ऑफ कार कर रहा है इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी ठीक है जनवरी के लिए वो इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रही है ना हर इन्फॉर्मेशन अपना कुछ कहती है जैसे वो बैंकेट सर्विस दे रही अदर देन रेंटिंग ऑफ कार ओके डेफिनेटली ये कुछ कुछ क्वेश्चन के लिए हेल्प करेगा कुछ हिडन पॉइंट्स इसमें हैं बहुत सी बार क्वेश्चन में ही आंसर्स होते हैं स्टेट ऑफ केरला में है रजिस्टर्ड पर्सन है ठीक है आउटवर्ड सप्लाई दिया डिस्ट्रीब्यूटेड वन थाउजेंड फ्री गिफ्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम वर्थ ऑफिस फाइव थाउजेंड ई परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड लोकल वेंडर कस्टमर विद इन केरला इन द मंथ ऑफ जनवरी टू प्रोमोट द सेल्स फ्री गिफ्ट बांटे कस्टमर्स को बांटे तो ऐसे केस में <coughs> दो बातें अगर आप फ्री गिफ्ट बांटते विदाउट कंसिडरेशन तो पहला थॉट यह आना चाहिए कि फ्री सप्लाई पर जीएसटी नहीं आता है दूसरा लेकिन अगर आप ये रिलेटेड को देते हो या डीम डिस्टिंग पर्सन का देते हो तो रूल ट्वेंटी एट के हिसाब से इसकी वैल्यू निकाली जाती है और उसके ऊपर जीएसटी आता है पैरा टू ऑप्शनल वन के हिसाब से नड पॉइंट यहाँ पे अगर आपने आई से लिया होगा तो ये पैरा वन ऑफ शेड्यूल वन के हिसाब से सप्लाई माना जाता है तो पहला पहला क्या ये रिलेटिव पार्टी को दिया गया नहीं ये कस्टमर को दिया गया दूसरा क्या आईटीसी का क्रेडिट लिया गया है देखते आगे अगर आगे दिया होगा क्लियरली कि आईटीसी का क्रेडिट नहीं लिया गया तो फिर ये सप्लाई वैल्यू नील मानी जाएगी नहीं तो फिर हम एजमशन लेंगे कि वी एज्यूम दैट नो क्रेडिट ऑफ आई टी सी इज टेकन तो फिलहाल तो मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि नो क्रेडिटिफ आई टी इज टेकन सो दैट ये वन फ्री गिफ्ट जो है वॉट यूर इज द वैल्यू उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि ये फ्री कंसिडरेशन है आगे देखते हो कि उसका क्रेडिट उन्होंने कुछ कहा है क्या ठीक है नेक्स्ट सप्लाईज अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन अ टेरिटर वाटर टू ध्रु तारा एंटरप्राइजेस वॉटर इज लोकेटेड एट एलेवन नोटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ द स्टेट केरला एंड ट्वेल्व नोटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ द स्टेट तमिलनाडु यहाँ आईजीएसटी का कंसेप्ट है और सेक्शन नाइन का कन्सेप्ट है सेक्शन नाइन ऑफ आईजीएसटी जी कहता है कि अगर आप यहाँ पे ट्रोटल वाटर में सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो जो नीरेस्ट कोस्टल पोर्ट होगा नीरेस्ट कोस्टल पोर्ट होगा जिसकी बेस लाइन कनेक्टेड नीरेस्ट है वो आपका प्लेस ऑफ आप सप्लाई माना जाएगा तो यहाँ नीरेस्ट जो है वो स्टेट ऑफ केरला है और हमारा बंदा भी स्टेट ऑफ केरला में है तो हमारा बंदा भी स्टेट ऑफ केरला में मतलब ये इंट्रा स्टेट सप्लाई का आ जाएगा और इसके ऊपर सी और एस आएगा सी जी एस टी और एस जी एस टी स्टेट टैक्सीबल सप्लाई एडवांस टू लैख टेन थाउजेंड रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड रेस्ट वॉस सर्विसेज आपका आ जाएगा सॉरी फाइव लैख नाइनटी थाउजेंड नहीं दो लाख दस बराबर है फोर लैख नाइनटी थाउजेंड पे आपका जीएसटी यहाँ पे आएगा एडवांस पे प्योर लेबर सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल कमर्शियल यूनिट लोकेटेडेड इन मुंबई नॉट फार्मिंग ए पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स नो डाउट प्योर लेबर सर्विसेस अगर रेजिडेंशियल यूनिट की होती है फॉर कंस्ट्रक्शन तो उसको एग्जम्पन दिया है अगर वो ओरिजिनल वर्क होगा ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन वर्क होगा तो उसको यहाँ पे एग्जम्पन दिया गया है लेकिन ये कमर्शियल यूनिट है इसलिए पूरा पंद्रह लाख टैक्सेबल है और मुंबई में दिया गया है ये सर्विसेज इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा तो इसके ऊपर आई जी एस टी आएगा इनवर्ट सप्लाई Monthly rent paid to Kerala State Government for an office taken on rent. तो अगर गवर्नमेंट से आपने ऑफिस लिया होगा और आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो हमने एक रिवर्स चार्ज देखा था कि अगर गवर्नमेंट से अगर गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ इमूबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड पर्सन को करती है तो यहाँ आर भी आएगा आर भी आएगा और आपको आईटीसी भी इसका मिल जाएगा नेक्स्ट परचेस ऑफ रॉमेटल फॉर्म सखाराम स्टील लिमिटेड रजिस्टर्ड इंडर द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश से आपने परचेस परचेस किया सखाराम सॉरी uh,

डिज़ाइन टू कैरी पैसेंजर होगा और कॉस्ट ऑफ फ्यूल उसमें इंक्लूड होगी दो दिसंबर ओके लास्ट ईयर में सर्विस लिया ओके अमाउंट नाइन्टी सिक्स थाउजेंड का था लेकिन उसकी एंट्री हमने कुछ भी नहीं किया ओके उसकी एंट्री हमने कुछ भी नहीं किया और हमने एक सर्विस ली अब आपकी सोच जो है यहाँ पर एकदम बिल्कुल बहुत टाइट होनी चाहिए ज़रूर इसके ऊपर भी हम बात करेंगे अगर आप केयरफुली देखते हो तो पहला थॉट क्या आता है इसके ऊपर रिवर्स चार्ज आएगा और जीएसटी लग जाएगा पर रिवर्स चार्ज में हम कौन से मंथ का निकाल रहे हैं टाइम ऑफ सब हम कौन से मंथ का निकाल रहे हैं टैक्स जनवरी का जनवरी का ओके टैक्स निकालने के लिए क्या होना जरूरी है क्या होना? क्योंकि रिवर्स चार्ज में हम जनवरी में टैक्स तभी पे करेंगे अगर उसका टी यूएस सेक्शन थर्टीन थर्टीन थ्री के हिसाब से थर्टीन थ्री के हिसाब से टी एस जनवरी में आता है चलो एक ले लेते हैं कि इसके ऊपर रिवर्स चार्ज है अब रिवर चार्ज अगर होगा बिल्कुल रिवर चार्ज आएगा मोटर व्हीकल रेंट पे लिया गया ओके रिवर चार्ज आएगा दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि रिवर चार्ज का पेमेंट उस मंथ में आता है टी जिस मंथ में आप जो है पेमेंट करोगे तो आपने पेमेंट भी नहीं किया जनवरी में साथ साथ में ओके डेट ऑफ पेमेंट या सिक्सटी डे ओके विच एवर इज अर्लियर तो इन्वाइस की डेट से सिक्सटी वंथ डे भी नहीं होता है सेकंड डिसम्बर से लेकिन सिक्सटी वंथ डे जो जाएगा ओके okay, वो फेब्रवरी में जाएगा इसलिए ओके जनवरी में इसका रिवर्स चार्ज में टी आएगा नहीं साथ साथ में आपने पेमेंट भी नहीं किया इसका मतलब जनवरी में इस पर रिवर्स चार्ज नहीं आएगा ओके okay, और तो साथ साथ में इसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपने पेमेंट ही नहीं किया है तो इसका क्रेडिट लेने का सवाल ही नहीं आता है तो इसका कोई इफेक्ट हमारे इसमें नहीं होगा पर स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक कर दे रिवर चार्ज याद आ जाए पहले तो रिवर चार्ज याद आएगा नहीं आएगा उसके ऊपर ही डाउट है अगर आपको रिवर चार्ज याद भी आ गया तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपको इसके साथ टी भी याद आना जरूरी है चलिए उसके बाद में अवेल द सर्विस ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इन कानपुर केरला वर्थ रुपीज सेवन लैक्स टू सेटल अ केस रिलेटिंग टू एक्ट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस लिया तो नो डाउट रिवर चार्ज आता है और बिजनेस एंटिटी लाइबल होता है स्टीव, लेकिन रिवर चार्ज मतलब इमेजिन करो साथ साथ में एक्समिशन भी देखो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अगर सर्विस बिजनेस एंटिटी ने लिया जिसका प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में

हाँ मोटर व्हीकल रिस्ट्रिक्टेड है ओके okay, प्रोहि यहाँ पे ब्लॉक क्रेडिट में आता है पर मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पर्सन ब्लॉक क्रेडिट में आता है अगर मटेरियल के लिए होगा तो डेफिनेटली आपको उसका आईटीसी मिल जाता है लेकिन सेक्शन सिक्सटीन थ्री के हिसाब से आपको आईटीसी इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपने टोटल टैक्स पकड़ के डिप्रिसिएशन क्लेम किया अंडर इनकम टैक्स एक्ट इसलिए आपको इसका आई ओके okay, इसके आई नहीं मिलेगी आई आपको नहीं मिलेगा ओके okay. उसके बाद में सक्षम स्टील लिमिटेड इज मैंडेडली रिक्वायर्ड टू इशू इन वॉयस हाउेर इट डिड नॉट इशू इन वॉयस विद द इन वॉयस रेफरेंस आई आर एन द इन वॉयस वॉज रिफ्लेक्टेड इन जी एस टी आर टू बी भाई साहब ओके उसने इन वॉइस देना चाहिए था पर उसने इन वॉयस नहीं दिया नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो सक्षम से हमने रॉ मेटेरियल नहीं दिया नॉर्मल इन वॉयस इवन दो टू बी में आ गया होगा लेकिन बंदे ने अगर इन नहीं दिया होगा सुनिएगा नॉर्मल इन वॉयस इवन दो टू बी में आ गया होगा पर बंदे ने अगर इन नहीं दिया होगा तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो वो इन वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि अगर आप ई e इन के प्रोविजन में होता है तो ई e इन ही वैलिड इन्वायस माना जाता है तो इसमें वैलिड इन्वायस नहीं माना जाएगा इसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि सेक्शन 16 टू के हिसाब से आपके पास वैलिड इन्वायस होना जरूरी है इसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा रेट नाइन नाइन एटीन रहेगा ऑल अमाउंट गिवन अवो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस तो भाई साहब कहीं नहीं दिया है गिफ्ट के केस में कि आई टी से लिया है नहीं लिया है इसलिए हम ही आजम लेंगे कि जो भी गिफ्ट सप्लाई किया उसका आई से हमने नहीं लिया और अन रिलेटेड पर्सन को सप्लाई किया ये क्वेश्चन अच्छा है लिख के जरूर देखिएगा ओके इसमें चलिए इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं तो पहला अगर हम देखते आंसर तो फ्री गिफ्ट टू द कस्टमर नील वैल्यू लिया है मैंने तो प्रेजेंटेशन आपका वैल्यू सी जी एस टी एस जी एस टी आई जी एस टी पहला सप्लाई नील लिया है जिसमें मैंने नोट यहाँ दे दिया है आप रिमार्क में या टेबल के नीचे भी देख सकते हो पर ये अच्छा तरीका है कि यहीं आप नोट दे दोगे कि इट्स नॉट अ सप्लाई ओके बिकॉज इट इज़ विदाउट कंसिडरेशन एंड ऑल्सो एज्यूम दैट नो आई टी सी स्टेकन एंड सप्लाई टू अनरिलेटेड पर्सन इसलिए ये सप्लाई नहीं माना जाएगा दूसरा टेरोटल वाटर में सप्लाई किया तो आपको सेक्शन याद आता है तो ठीक नहीं तो आर वाले भी सेक्शन को ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपने ओके okay, सप्लाई किया तो वो केस में केरला ही नियरेस्ट बेस्ट लाइन है इसलिए उसके ऊपर सिक्स लैख्स पे आपका फिफ्टी फोर थाउजेंड फिफ्टी फोर थाउजेंड जी एस टी लग जाएगा ओके सी जी एस टी और एस जी एस टी एडवांस एडवांस आपको मिला ओके तो वो केस में फोर लैख नाइन्टी थाउजेंड जो सर्विस का एडवांस है उसके ऊपर ओके जी लगा दिया जाएगा उसके बाद में कमर्शियल यूनिट टैक्सेबल है और आपने मुंबई में सर्विस दी तो वो सिचुएशन में हाँ रेसिडेंशियल यूनिट को एक्जम्शन है पर कमर्शियल यूनिट को एक्जम्शन नहीं है और मुंबई में सर्विस दी है इसलिए आपको यहाँ पे जीएसटी जो है पंद्रह लाख पे लग जाएगा एटीन परसेंट यह आपका आउटपुट टैक्स हुआ पर ख्याल रहे जब आप ये सॉल्व करके देखोगे या लिख के देखोगे तो पहले आउटपुट टैक्स बाद में क्रेडिट और बाद में आर क्योंकि स्टे ओके ये प्रोसीजर ही ऐसी होती है आउटपुट टैक्स लेस क्रेडिट बाद में आर इस तरह से आपको चलना पड़ता है ओके तो क्योंकि कैसा होता है आर पेमेंट पहले लिया और बाद में क्रेडिट लिया तो गलती से आपका क्रेडिट आर में ना यूज़ हो जाए इसलिए पहले क्रेडिट क्रेडिट की अगर हम बात करें अगर क्रेडिट पर आप आते हो नोट्स वर्किंग नोट्स में तो स्टेट गवर्नमेंट इस पर आर भी आएगा लेकिन हमें क्रेडिट भी मिलेगा तो आप क्रेडिट में ले लो सिक्स लैक्स और सिक्स लैक्स चलो पहले मैं आर भी बता देता हूँ तो आपको आसानी होगी तो ये लेस क्रेडिट का टेबल हम बाद में देखेंगे उसके बाद में रिवर्स चार्ज आपने गवर्नमेंट से सर्विस ली और आप रजिस्टर्ड पर्सन हो इसलिए रेंट जो छः लाख का है उसके ऊपर सी जी एस टी और एस जी एस टी आएगा ओके तो दोनों केरला के इसलिए सी जी एस टी और एस जी एस टी आएगा गवर्नमेंट भी केरला की है उसके बाद में टैक्स ऑन सर्विसेज ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ये भी रिवर्स चार्ज में आएगा ओके इसके ऊपर भी जी एस टी रिवर्स चार्ज में देना पड़ेगा और जीएसटी एस पेबल अंडर रिवर चार्ज हाँ रेंट आपने मोटर व्हीकल जो रेंट लिया था उस पर वैसे रिवर्स चार्ज आता है पर हमारा टी उस मंथ में आया ही नहीं अगर हमारे टी उस मंथ में आया ही नहीं ओके अंडर सेक्शन सेक्शन थर्टीन थ्री तो वो केस में हम रिवर्स चार्ज में कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे तो आपका रिवर चार्ज में पेमेंट हो जाएगा प्लस ये दो रिवर्स चार्ज में जो आप पेमेंट करोगे उसका तो आई से आपको मिलना ही है ओके हाँ ये ये रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋषि से जो रेंटल पर लिया वो उसके ऊपर जो भी जीएसटी लगता है तो रिवर चार्ज में हमारी लाइबिलिटी आएगी फाइव परसेंट से लेकिन उसका टी आया ही नहीं है अगर टी आया नहीं तो क्वेश्चन ऑफ़ लाइबिलिटी डज नॉट अराइज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का क्रेडिट आपको मिल जाएगा और ये भी पॉइंट लिखो कि आपका थ्रेशोल्ड से ज़्यादा टर्न ओवर इसलिए आपको एग्जिमशन नहीं मिलेगा क्योंकि 180 एटी का टर्न ओवर यहाँ पर है सक्शन से नहीं मिलेगा ट्रक का भी आपको नहीं मिलेगा इसके रीजंस आप प्रॉपर लिखो तो ये लिख कर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओके अच्छा क्वेश्चन है लिख के जरूर देखिएगा ओके तो सारी नोट्स मैंने टेबल में ही कवर कर लिया है तो अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे चलिए चलिए नाउ अब देखते हैं ट्वेल्थ नंबर का प्रॉब्लम गौतम प्राइवेट लिमिटेड कोयमतुर तमिलनाडु भाई गौतम प्राइवेट लिमिटेड है कोयमतुर का है तमिलनाडु का है एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर एंड सेल द प्रोडक्ट अल्फा विच इज एक्ट एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर कर रहा है एंड सेल द प्रोडक्ट अल्फा विच इज एक्जम फ्रॉम जी एस टी नोटिफिकेशन इशूड अंडर इलेवन जी एस टीजस्लेशन कंपनी सेल द प्रोडक्ट अल्फा ओनली विद इन तमिलनाडु मतलब इंट्रा इंट्रा स्टेट है सप्लाई है इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर जी एस टी जी एस टी में भी रजिस्टर्ड नहीं है Further, all of the are under Matlab, कोई रिवर्स की लाइबिलिटी नहीं इसलिए रजिस्ट्रेशन का सवाल नहीं आता टर्न ऑफ इन प्रीवियस ईयर वॉन्स थाल टू ग्रो बाई फिफ्टीन परसेंट करोविंग डिमांड ऑफाइड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड परचेज एडिशनल मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग अल्फाम फर्स्ट जुलाई को परचेज किया The purchase of price of the capital goods is 30 lakhs ex uh, or GST 18%. However, with effect from 1st November, exemption available on alpha was withdrawn by central government and GST rate 12% on impose thereon. Turnover of the company for the half year ended 31st, 31st September 60 lakhs. Board of Director of Gautam Private Limited want to know whether they have to register under GST after withdrawal of exemption notification. <laughs> अगर आंसर आप लिखोगे एक लाइन में यस ओके नीड टू रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड टेक रजिस्ट्रेशन विद इन थर्टी डेज तो मार्क्स नहीं मिलेंगे <coughs> आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा यस इफ अ पर्सन एंगेज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स देन बेसिक थ्रेश इज अवेलेबल दैट इज फोर्टी लैक्स एक्सेप्ट सर्टन कैटेगरी ऑफ स्टेट बट इन केस ऑफ तमिलनाडु फोर्टी लैक्स लिमिट इज अपेबल सेकेंड पॉइंट यहां पर आपको लिखना पड़ेगा एज पर सेक्शन ट्वेंटी थ्री इर्सन इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन एग्जाम सप्लाई दे नो नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जी एस टी नाउ थर्ड यहां पर वो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में था रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं अब थर्ड पॉइंट लिखो ओकेज रजिस्ट ऑन फर्स्ट ऑफ नवंबर ओके हीज एग्जामिशन इज विग्रीगेट टर्न ओवर फर्स्ट नक्स फोर्टी लैक्सेंस इन सच सिचुएशन रजिस्ट्रेशन रिक्वाद इन थर्टी डेज तीस दिन के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बाकी इंफॉर्मेशन फालतु है नेक्स्ट इनकी इन केस इन अवो क्वेश्चन गौतम प्राइवेट लिमिटेड ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद रिस्पेक्ट टू सर्टन टैक्सेबल सप्लाइज बींगा मतलब कर दोन टेक आई टी सी एडिशनल मशीनरी परचेज एक्सक्लूसिवली फॉर मैन्युफेक्चरिंग अल्फा अगर आप रूल फोर्टी थ्री फॉलो करते हो तो अगर कोई मशीनरी कॉमन है तो आप आई टी सी पूरा ले सकते हो और आपको फिर बाद में टी आई वो पे करना पड़ता है लेकिन अगर एक्सक्लूसिवली आप अगर एग्जाम के लिए यूज कर रहे हो तो आप आई नहीं ले सकते हो तो पहले आप कोड करो रूल फोर्टी के हिसाब से एक्सक्लूसिवली यूज इन एग्जाम सप्लाई तो ITC नहीं होगा लेकिन इसमें बाद में सेक्शन एटीन आता है और सेक्शन एटीन वन डी आता है एटीन वन डी ये कहता है कि अगर आपका एग्जाम सप्लाई से टैक्सेबल होता है क्योंकि आप पूरा का पूरा टैक्सेबल हो गया है तो इन दैट केस यू कैन टेक द आईटीसी ऑफ द मशीनरी एंड यू कैन टेक द आईटीसी ऑफ इनपुट्स सेमी फिनिश गुड्स और इनपुट्स इन फिनिश गुड्स प्लस कैपिटल गुड्स का भी आप ओके आईटीसी okay, ले सकते हो रिड्यूस बाय फाइव परसेंट पर क्वार्टर अब आपको कैलकुलेशन करके देना है कि मशीनरी परचेज की फर्स्ट जुलाई को और फर्स्ट नवंबर को आपका टैक्सेबल हुआ तो ओके okay, जो मंथ में जो क्वार्टर में ये डेट आएगी वो पहला क्वार्टर तो जुलाई तो जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर और अक्टूबर नवंबर तो नवंबर पार्ट ऑफ द मंथ फुल मंथ लिया जाएगा मतलब आपके दो क्वार्टर हो गए तो 30 लैक्स का 18 परसेंट जो टैक्स आएगा माइनस फाइव परसेंट पर क्वार्टर यानी 10 परसेंट आपको रिड्यूस करना पड़ेगा बाकी का आप आई टी ले सकते हो तो इस तरह से आपको सारे कैलकुलेशन इसमें बताना है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है ओके okay, पॉइंट्स आपके कवर अच्छे से होने चाहिए ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम देखें यहां पे थर्टीन नंबर का क्वेश्चन एडवांस रोलिंग वंस इश्यूड के नॉट बी हेल्ड टू बी वर्ड एप इन इशो अंडर एनी सर्कमटांसेस डिस्कस द करेक्नेस ऑफ द स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली इन्वैलिड एडवांस रोलि वर्ड ऐप इनिश्यो होती है जब फ्रोडलेंट डॉक्यूमेंट्स या इफॉर्मेशन पर ली गई और वहाँ अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड दिया जाता है एंड देन ओके यहाँ पे ओके ऑर्डर दी जाती है एडवांस रोलिंग वर्ड ऐप इनिशो तो एक लाइन में आंसर है पर दो तीन लाइन में थोड़ा तो घुमाना अगर तीन मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो इसका आंसर देखो लेकिन बस एक लाइन में आंसर अगर मैं कहूँ तो फ्रोडोल्ट डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन पे एडवांस तो ली गई तो वो वाइड एप इनिशियो माना जाएगा नेक्स्ट पठान वोरा ऑफ पुणे महाराष्ट्र पठान वोरा ओके पुणे और महाराष्ट्र का एंटर इन एन एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स टू सुकुमर एंटरप्राइजेस बरेली उत्तर प्रदेश वेल द गुड्स पैक इन पुणे गो डाउन ऑफ पठान वोरा कुमार गॉड द ऑर्डर फ्रॉम सिद्धू प्राइवेट लिमिटेड शिमोगा कर्नाटका फॉर द सेट गुड्स सुक्मार एंटरप्राइजेज एग्रीड टू सप्लाई दुड्स सिंधु प्राइवेट लिमिटेड एंड आज पठान वोरा टू डिलीवर्ड गुड्स टू सिंधु प्राइवेट लिमिटेड एड शिवगोमा तो पठान वोरा पुणे उसके बाद में सुक्कू कुमार और सिंधु और इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ डायरेक्ट गुड डिस्पैच हुआ और इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ ओके डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई तो चलिए तो ये अगर सेक्शन टेन यहाँ पे वन क्लॉज बी याद आता है तो टू बिल्टू टू मॉडल में आता है और बिल टू टू मॉडल में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा ओके ऑन द डायरेक्शन ऑफ अगर थर्ड पर्सन होगा तो वो सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ दैट पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन हु इज़ वायरेक्टिंग सप्लाई तो ऐसे केस में आपका पहला ट्रांजेक्शन जो है इसका प्लेस ऑफ सप्लाई टेन वन बी के हिसाब से फिक्स होगा और वो यहाँ पर ओके यस सुकुमार यस सुकुमार एंटरप्राइजेस बरेली उत्तर प्रदेश में फ़िक्स होगा और दूसरा ट्रांजेक्शन तो जहाँ गुड्स का डेस्टिनेशन है तो ये ट्रांजेक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों भी आपने फिक्स कर देना क्योंकि उन्होंने सिर्फ बिल टू शिफ्ट टू नहीं पूछा दूसरा भी पूछा है तो दूसरा भी आपने फिक्स कर देना और दूसरा टेन वन ए के हिसाब से फिक्स होगा जहाँ गुड्स का डेस्टिनेशन है तो सिंधु प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटका वहाँ उसका प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स किया जाएगा उसके बाद में ऐसे फिफ्टीन ब्रीफली एक्सप्लेन द अपलिकेबिलिटी ऑफ जी ऑन द अप्लीकेशन ऑफ फीस चार्ज फॉर एंट्रेंस और द फीस चार्ज फॉर एश्यस ऑफ़ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन और एशुंस ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये बात एक सर्कुलर है अमेंडमेंट्स में कवर किया हुआ है पहली बात तो कोई भी फीस आपने चार्ज की ओके टू स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ एजुकेशनल फीस तो वो है या एंट्रेंस फीस फॉर एंट्रेंस एग्जामिशन ओके वो भी एग्जाम और उसके साथ साथ सी का सर्कुलर है तो यहाँ आपकी अमेंडमेंट आएगी सीबीएसई का सर्कुलर है कि ये जो सर्विसेस है ये एक्समट रहेगी तो वो आपको सर्कुलर कोड करना पड़ेगा क्योंकि इस बार की अमेंडमेंट है तो वो सर्कुलर कोड कर देना उसके बाद में मोन्टीलिमिटेड एंटर इंटू हाईसी सेल ट्रांजेक्शन विद फोजी लिमिटेड फॉर सर्टन गुड्स मॉन्टी लिमिटेड विशेष टू अंडरस्टैंड द टेक्सिबिलिटी ऑफ हाईसी सेल अंडर जीएसटी लॉ एंड कस्टम लॉ एक्सप्लेन वेदर दू टेकन बाय मॉन्टी लिमिटेड इज करेक्ट ओके तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि जी लॉ में तो जहाँ तक देखा जाए तो शेड्यूल थ्री और शेड्यूल थ्री में पैरा सेवन और एट अगर आपको याद होगा तो पैरा एट में क्लियरली दिया है कि हाई सी सेल ट्रांजेक्शन होगा तो इंडिया में उसके ऊपर जी नहीं आता है अब बात करते हैं कस्टम्स की अगर कस्टम्स में हाई सी सेल ट्रांजेक्शन होगा तो जो ओके यहाँ पे जब गुड्स इंडिया में टेरिटरल वाटर क्रॉस करेगा सुनना मेरी बात जब गुड्स इंडिया में टेरिटरल वाटर क्रॉस करेगा तो वो टेरिटरल वाटर क्रॉस करते वक्त जो प्राइस होगी वो प्राइस कंसिडर होगी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू तो ओके अब कस्टम्स में इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर समझ लो ये टेरिटरल वाटर है और हाई सी सेल अगर ओके पहला इम्पोर्टर और ये इम्पोर्टर आईसी सेल होगा तो ये प्राइस नहीं ली जाएगी हाँ लेकिन जिस दिन टेटल वाटर एट द टाइम ऑफ इम्पोर्टेशन अगर इसने इसको सेल किया होगा तो ओके okay, इस टाइम पे जिसने भी सेल किया उसकी प्राइस ली जाएगी तो एट द टाइम ऑफ इम्पोर्टेशन जो लास्ट बायर होगा आई रिपीट द वर्ड एट द टाइम ऑफ इम्पोर्टेशन जो लास्ट बायर होगा उसकी प्राइस यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा कस्टम्स के केस में डिस्कस द प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व द समन ये तो आप पढ़ सकते हो 18 ले लेते हैं कस्टम्स का ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना Empire Limited imported machine from UK in April. Details in this regard are as under. FOB price दिया आपको pound में. Air freight दिया है तो air freight दिया और FOB price दिया तो आपको second approach लेना है. Second approach में even though वो double cost add होती है तभी आपको second approach से ही solve करना है. तो actual या twenty percent of FOB which is low आपको उसके base पे जाना है. License fees the buyer was required to pay in UK. ये ऐड होगा एज अ कंडीशन ऑफ सेल अज्यूम कर लेना है मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व आपसे करवाया है बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगा डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री ट्वेंटी अप्रैल एंड रेट ऑफ एक्शेंस नोटिफाइड बाई सी बी आई ऑन दैट डेट इज़ नाइनटी पर पाउंड बी सी डी डेट ऑफ अराइवल ट्वेंटी अप्रैल अच्छा अराइवल बाद में है तो एवर इज लेटर तो आपको ड्यूटी रेट के लिए ये लेना है लेकिन एक्शन रेट के लिए आपको डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री लेना है दैट इज़ पर पाउंड लेना है आई जी एस टी ट्वेल्व परसेंट से कैलकुलेट करना इंश्योरेंस प्रीमियम डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल देन ओके वन पॉइंट वन टू फाइव परसेंट आपको लेना है, बहुत ही ईजी था और बाद में बैगेज और यहाँ पे एडवांस ऑथराइजेशन पे क्वेश्चन है वो आप रीड कर सकते हो तो इस तरह से दोस्तों हमने आर टी पी के सारे क्वेश्चन जो है ओके okay, कम्प्लीट uh, कर लिए हैं तो ये जो है <coughs> कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देखो कुछ क्वेश्चन कवर कर लिए तो इस तरह से फटाफट हमारा आर का भी डिस्कशन हो चुका है यस yes no? और नो और आई होप आप मिशन संभव भी एंजॉय कर रहे हो गे. कर रहे कि नहीं कर रहे आप मिशन संभव एंजॉय यस और नो बोलिए यस सर ठीक है तो चलिए दोस्तों यहाँ रुकते हैं यस uh, yes, uh, अब आपका एक सवाल होगा कि सर आपका मैराथन सेशन कब आएगा तो मैं मैराथन सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है ओके तो वन डे मैराथन सेशन में हम मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो वो आ, पर मैं आपको ये कह दूँ कि वो जो आएगा मैराथन सेशन वो फिफ्टीन के बाद ही आएगा ओके वही एग्जाम के वन डे बिफोर आपको देखना है तो फिफ्टीन के बाद ही मेरा मैराथन सेशन होगा ओके okay, अकॉर्डिंगली मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा मिशन संभव के टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्टेड रहिएगा ओके okay, टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे आ, किस तरह से क्रिएट करना है तो मिशन संभव का आपको लेक्चर जीरो जीरो देख लेना है उस पर मैंने कहा कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में कैसे कनेक्ट होना है थैंक यू साथ साथ में अमेंडमेंट जरूर देखिएगा अमेंडमेंट्स बहुत कम है फास्ट में देख लोगे तो एक डेढ़ घंटे में खत्म हो जाएगी आपकी तो ऑल द बेस्ट इस बार Thank you so much.